मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज सुनील और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग्स। तो आज हम लोग हैं बदलापुर में, लगभग बदलापुर से 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर रहे और हमारे सामने कुछ नज़ारे जो काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग आज आए हैं कोंडेश्वर टेम्पल पे और जो कि यहाँ से नज़ारे देख सकते हैं आप, पीछे देख रहे हो वो है तावली पीक और हमारे पीछे यहाँ पर काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं जो यहाँ से दिख रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगा और वो आपको दिख रहा शायद वो है चंदेरी फोर्ट। और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे हैं, मौसम काफ़ी ठीक है, हल्की हल्की धूप है और हमें जाना है कोंडेश्वर टेम्पल। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कोंडेश्वर टेम्पल को। लास्ट टाइम आया था बट नहीं जा पाया था, इस बार हम लोग कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे कोंडेश्वर टेम्पल को, तो बने रहिएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं, पहले यहाँ से दो रूट है। आप बदलापुर से फर्स्ट आएंगे तो यहाँ से आपको दो रूट मिलेंगे, जैसे एक रूट कटा हुआ एक ढंगर वाटरफॉल है जो मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, अगर देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा यहाँ से कोंडेश्वर टेम्पल के लिए रूट कटा हुआ है, आप वहाँ से अगर कोंडेश्वर टेम्पल जाना है तो वहाँ से रूट कट गया है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो पहले हम लोग चलेंगे कोंडेश्वर टेम्पल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोंडेश्वर टेम्पल नहीं गया था, तो इस बार चलेंगे हम लोग कोंडेश्वर टेम्पल। तावली पीक है और काफ़ी क्लाउड से ढक चुका है, वहाँ पर मौसम काफ़ी ब्यूटीफुल है और गांव में पूरी हरियाली छा गई है। यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेना चाह रहा हूँ लेकिन एक छोटा सा गांव है धामनवाड़ी है और यहाँ आपके सामने काफी ब्यूटीफुल सा लेक दिख रहा है यहाँ पर। अब आप सामने देख रहे हैं वो है कोंडेश्वर टेम्पल, जूम करता हूँ, वो है कोंडेश्वर टेम्पल। काफी यहाँ से खूबसूरत से नज़ारे हैं, फाइनली हम लोग चलते हैं मंदिर पे विजिट करते हैं कोंडेश्वर टेम्पल और यहाँ से लगभग 2 मिनट का रास्ता रहेगा बाइक से, पहुँचते हैं वहाँ पर हम। फाइनली गाइस देख रहे हैं आप, ये हमारा कोंडेश्वर टेम्पल का लेक है और यहाँ पर छोटा सा एक ब्रिज बना हुआ है जो इस पार से उस पार ले जाएगा आपको। और ये हमारा पार्किंग के लिए काफ़ी सारी सुविधा, आप अपने कार से भी आ सकते हैं, अपने बाइक से भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने देख रहे हैं ये है कोंडेश्वर टेम्पल, वो हमारा मेन टेम्पल है, वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। के अपोजिट में यहाँ से लेते कुछ बीरो शॉट वगैरह जो यहाँ से खूबसूरत सीन देखेंगे, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पर हम लोग। तो
गाइस देख रहे हैं आप, मंदिर के पीछे काफ़ी सारे खूबसूरत सा एक झरना है जो मंदिर के पीछे से हुए पानी आता है। और ये देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ से पानी निकलता है यहाँ पर, और ये हमारा सामने मंदिर है तो उसके नीचे डाउन होता है पानी और ये सीधे लेक में चले जाता हमारा, जो भोज डैम बता रहा था मैं आपको। तो ये पानी वहाँ से निकल रहा है और पानी देख रहे हैं बारिश के टाइम में कितना क्लीन है। कुंडेश्वर टेम्पल आपको आने के लिए आना पड़ेगा आपको बदलापुर रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई से डायरेक्ट आप आ सकते हैं बदलापुर रेलवे स्टेशन। और बदलापुर रेलवे स्टेशन से आपको काफ़ी सारी सवारियां मिल जाएंगी, जैसे कि ऑटो मिल जाएंगी, टमटम मिल जाएंगे आपको, वहां पर आप शेयरिंग करके आ सकते हैं। वहां पर आपको बदलापुर स्टेशन के बाहर आपको ऑटो लगे रहेंगे, आप वहां पर सिंगल आते हैं तो आप शेयरिंग भी लेके आ सकते हैं। आ चुका हूँ कोंडेश्वर टेम्पल के टॉप पे, जहाँ पर ताड़वाड़ी करके विलेज है, तो वहाँ से कुछ नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं और जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी आप देख सकते हैं हवाएं काफ़ी सुंदर से चल रही हैं और यहाँ से नज़ारे आपके सामने। और यहाँ पर मैं आया हूँ कुछ फोटो वगैरह शूट कर रहा था। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरा यहाँ का फ़ोटो देखना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं, नीचे दिया गया रहेगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस देख रहे हैं आप, यहाँ पर दो रूट है, एक देख रहे हैं यहाँ पर ये कोंडेश्वर टेम्पल के लिए चले जाएगा और ये रूट ये वाला ढंगर वाटरफॉल के लिए, तो हम लोग ये पकड़ के आगे जाएंगे, चलते हैं हम लोग आगे। सो फाइनल गाइस, तो वहाँ से लगभग 8 से 10 मिनट राइड करने के बाद एक यहाँ पर पार्किंग पॉइंट मिल जाता है जो ये धबधबे का पॉइंट है, तो यहाँ पर आप बाइक पार्क कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा 5-10 मिनट का वॉक है, आप वॉक करके जाएंगे तो आपको ढंगर वाटरफॉल मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं यहाँ से हम। तो फाइनली मैंने बाइक को पार्किंग में पार्क कर दिया है और मुझे हल्की हल्की वाटरफॉल की जो साउंड है, आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तो 10 मिनट लगा था वॉक करके, वाटरफॉल पे मैं पहुंच गया था और अभी भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे वाटरफॉल के जो साउंड से हैं मेरे कानों को छू रही हैं। तो लगभग यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, चलते हैं। और एकदम सिंपल सा वाटरफॉल है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वाटरफॉल पे, आप देख रहे हैं साउंड की आवाज़ें आपको आ रहे रहेंगे और ये नीचे साइड में आप देख रहे रहेंगे यहां पर वाटरफॉल है, चलते हैं यहां से नीचे। फाइनली गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।